तो ये रहा भाई मेरा बाइक। खतरनाक भाई, मॉडिफाई भी करने वाला हूँ RS 200 को। RS 200 लेने गया था और आ गया FZ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि RS 200 का डिलीवरी लेने के लिए गया था और वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में जो टेस्ट ड्राइव है बाइक का वो लेने के लिए जब गया था, तब भाई बाइक में कुछ दिक्कत मुझे मिला, इसीलिए वो बाइक कैंसिल हो चुका था। और शोरूम वालों ने बोला कि तुम कल आ जाओ, कल और एक न्यू बाइक आएगा, सही बाइक आएगा, तब लेके जाना। फिर मैं सोचा कि चलो कल आके लेके जाएंगे और RS 200 भाई आ जाएगा, फाइनली भाई घर पे आ जाएगा, बहुत खुश था। लेकिन खुशी भाई ज्यादा टाइम के लिए नहीं था, क्योंकि घर पे आके जब बोला, फिर भाई घर पे सब बोल रहा था कि वो बाइक मत ले, वो बाइक में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, छपरी लोग चलाते हैं वो बाइक, मतलब बहुत कुछ बोल रहा था। और भाई कोई और मतलब जो बाइक पसंद नहीं है वो बाइक लेने के लिए बोल रहा था। और क्या ही बताओ भाई, मेरे खुद के पैसे से भाई बाइक नहीं ले रहा था, घर पे खरीद के दे रहा था, इसीलिए भाई मैं कुछ कर भी नहीं पाया, बोल भी नहीं पाया। तो बोला कि जो बाइक देना है वो दे दो सिटी राइड के लिए, तो सब बाइक ही सही रहेगा, मतलब ज़्यादा माइलेज वाला बाइक ही सही रहेगा। तो वही भाई कैंसिल हो चुका है RS 200, लेकिन इस बार BS4 या BS3 लेके आएंगे, क्योंकि उसमें भाई बहुत ही खतरनाक पावर है और वो बाइक R15 को भाई खा जाएगा, इतना ज़्यादा पावर है। इनिशियल और टॉप एंड में भी 160 जाता है टॉप एंड पे, तो बहुत ही खतरनाक बाइक है, वो भी आएगा। उसके लिए आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और कौन सा बाइक लिया है, घर वालों ने कौन सा बाइक दिया है, वो भी आज आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। वो भी बाइक बहुत ही मस्त है, लेकिन भाई हम लोगों के लिए नहीं है वो बाइक, क्योंकि पावर बहुत ही कम मिलता है उस बाइक में। लेकिन क्या ही कर सकते हो, अभी 1-2 महीने के लिए वो बाइक को यूज करते हैं, ब्लॉग वगैरह करते हैं, फिर RS 200 को लेकर ब्लॉग बनाएंगे। और खतरनाक भाई मॉडिफाई भी करने वाला हूँ RS 200 को, और ये जो बाइक खरीद के दिया है इसमें भी छोटा मोटा एक मॉडिफाई होने वाला है, वो भी वीडियो आएगा। कौन सा बाइक है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई मेरा बाइक, क्या ही बताओ भाई कौन सा बाइक दिया। ये बाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी लेना पड़ा, क्या ही कर सकते हो, मेरा पैसा नहीं है, घर वालों ने खरीद के दिया है, मतलब गिफ्ट समझो आप। तो इसीलिए इस बाइक को लिया है, और इस बाइक का नाम है FZS Version 4.0, मतलब वर्सन 4 FZS, जो न्यू कलर आया है साइबर ग्रीन, 2 या 3 मंथ होगा कलर न्यू लॉन्च किया है यामा वालों ने, तो कलर बहुत ही मस्त है। और जो रिम है बाइक का देख सकते हो नियॉन कलर का है, तो ये बहुत ही भाई हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसा कुछ बाइक है, न्यू बाइक है, तो देख सकते हो ये बाइक भाई 2-3 दिन ही हुआ है लिया हुआ। और इस बाइक को खरीदने के टाइम पे भाई व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि भाई मन नहीं था, बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि RS 200 ले नहीं पाया। तो आप देख सकते हो अभी नंबर प्लेट भी नहीं हुआ है और न्यू बाइक है अभी भाई। ये भाई जो ये रैप वगैरह अभी सब है, तो ऐसा कुछ बाइक है, पावर बहुत ही कम है इस बाइक में, लेकिन एक चीज़ अच्छी है वो है माइलेज। माइलेज बहुत ही खतरनाक मिलता है इसमें, 50 से 60 तक आपको माइलेज मिल जाएगा। तो इस बाइक में आप देख सकते हो रियर जो टायर है 140 सेक्शन का टायर है, जिसमें भाई RS 200 में 130 का देता है, तो ऐसा कुछ सीन है। और बहुत ही बल्की लुक लगता है बाइक। और इस बाइक में आते हैं TCS ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आपको देख सकते हो यहाँ पर TCS है पीछे, और सामने है आपका ABS। तो ऐसा कुछ लुक है, लुक कैसा लग रहा है और कलर कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसमें भी थोड़ा कुछ मॉडिफाई होने वाला है, क्या क्या मॉडिफाई होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर गोल्डन कलर का रैप करने वाला हूँ, और एक यूट्यूब का मतलब मेरा जो चैनल का नेम है वो लगाने वाला हूँ, और देखते हैं यहाँ पर कलर करने वाला हूँ। ये तो ऐसा नॉर्मल व्हाइट है, तो इसको रेड या ब्लू या कुछ ग्रीन कर लेंगे। बाइक तो भाई बहुत ही बल्कि है, लुक वाइज तो अच्छी है, लेकिन मुझे जो ये साइज है भाई ये बहुत ही मोटा लगते हैं मुझे, अदरवाइज सब कुछ सही है। और सिटी राइड के लिए तो A1 बाइक है भाई, बहुत ही मस्त बाइक है, वेट भी बहुत ही कम है। बाइक खरीदने के टाइम पे ये जो देख सकते हो क्रैश गार्ड है और हेलमेट है, 500 का पेट्रोल सब कुछ दिया था फ्री। और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस हम लोगों यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मुझे देना पड़ा था 1,58,000। जितना खुश था RS 200 लेने के लिए उतना भाई क्या ही बताओ, लेकिन बहुत जल्द लेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि RS 200 नहीं लेना है, 2-3 महीना आप वेट कर लो, खुद के पैसे से भाई मेरा ड्रीम बाइक को खरीदने वाला हूँ RS 200। और उसमें भाई खतरनाक मॉडिफाई होने वाला है, रैप वगैरह सब कुछ होगा उस बाइक में लेने के बाद। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना ये बाइक कैसा है, और क्या मुझे RS 200 लेना चाहिए या R15 लेना चाहिए नेक्स्ट बाइक। और ये जो बाइक है सिटी के लिए रहेगा, मतलब सिटी में राइड करने के लिए ये इस बाइक को यूज़ करूँगा, और राइड वगैरह करने के लिए भाई RS 200 और पावरफुल जो बाइक आएगा मेरे इन फ्यूचर वो उस बाइक को चलाऊंगा। तो अभी फटाफट निकलते, थोड़ा राइड वगैरह करते, राइड करके कैसा लगता है क्या नहीं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फटाफट निकलते अभी यहाँ से और करते हो ऑन, तो हाई बॉडी लिखा चुका है, और इसमें भाई MT का मीटर मिलता है। और एक दिक्कत है इस मीटर में, वो है भाई जो गियर इंडिकेटर है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, अदरवाइज सब कुछ सही है, टाइम वगैरह सब कुछ मिलता है, ट्रिप वगैरह होता है, एवरेज वगैरह सब कुछ दिखाते हैं।
और ये रहा NS34। चलाने में तो भाई मस्त है। यामा का जो मतलब इंजन है तो भाई बहुत ही खतरनाक लगता है, बहुत ही स्मूथ है, पावर बहुत ही कम है, बहुत ही कम मतलब 12 या 13 HP का पावर मिलता है और टॉर्क वैसे सेम टू सेम ही है भाई, 13 या 14 ऐसा टॉर्क मिलता है इस बाइक में और माइलेज भी अच्छा खासा मिलता है और इसका इंजन भी बहुत ही मस्त है और बल्कि लुक है। तो कलर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। नियोन कलर के साथ ये जो ग्रीन कलर है बहुत ही मस्त लगता है और ये जो कलर है MT में भी आया है न्यू, तो इसलिए भाई न्यू कलर है इसलिए इसको ही पिक कर लिया। नाइन पे तो भाई इजीली जा रहा है, मतलब इनिशियल में थोड़ा सा पावर है लेकिन टॉप एंड में भाई हक देगा भाई, 105 या 110 ऐसा टॉप स्पीड शायद मिलेगा, लेकिन अभी तक मैंने चेक नहीं किया, बहुत जल्द चेक करने वाला हूँ, जब फास्ट सर्विसिंग हो जाएगा तब चेक करने वाला हूँ। और इसका जो फास्ट सर्विसिंग है वो 1000 किलोमीटर के बाद आएगा, अगर 1000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं कर पाया तो एक मंथ के बाद मुझे करना है फास्ट सर्विसिंग इसका, और सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम है, 500 में हो जाएगा फास्ट सर्विसिंग। तो इसका भी प्राइस भाई कम नहीं है, 1,60,000 का प्राइस है इसका, तो क्या ही कर सकते भाई, घर वालों नहीं माना के RS 200 नहीं दिया तो भाई खुद के पैसे से लेना पड़ेगा, तो मैंने तो भाई बोल दिया कि जब मेरे पास पैसा होगा खुद का तब तो RS 200 ही लेना है मुझे। जो RS BS 3 BS 4 का जो पावर है वो भाई पावर अलग लेवल का है, खतरनाक पावर मिलता है उसमें, लेकिन BS 6 या BS 6 Phase 2 में जो पावर है बहुत ही कम है, लिमिटर बहुत जल्दी हीट करता है, लेकिन भाई मुझे चाहिए पावर और पावर मिलेगा BS 3 या BS 4 में, तो BS 4 खरीदने वाला हो और R15 तो भाई टिक नहीं पाएगा BS 4 के सामने और फुल्ली मॉडिफाई करने वाला हो। तो अभी फिलहाल के लिए 2-3 महीने के लिए यही इस बाइक को लेकर ही व्लॉग बनाते हैं, तो सिटी वगैरह राइड करने के लिए बाइक रहेगा। तो जो भी मिला भाई, मिला तो कोई एक बाइक, स्कूटी कितना दिन तक भाई चलाओ, स्कूटी चला के भाई मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए ये बाइक ही ले लिया, जो बाइक मिला वही बाइक ले लेते ऐसा सोच के, मतलब वो बाइक भाई बहुत मानने की कोशिश किया, बहुत बोला कि वो बाइक अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सीडेंट होता है, ब्रेक वगैरह भी बहुत ही मस्त है उस बाइक का। सुना है कि बहुत जल्द RS 400 आने वाला है या ये जो RS 200 है ये अपग्रेड होने वाला है, जो जो कमी है RS 200 में सब कुछ ठीक करने वाला है, तो अगर ये सब कुछ सही हो जाएगा ऐसा लॉन्च हो जाता है 2-3 महीने के बाद तो न्यू लेने का कोशिश करूँगा RS 200। भाई GoPro में दिक्कत दे रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए ऑटोमेटिक बंद हो रहा है GoPro। और पता नहीं नंबर प्लेट कब तक आएगा, मुझे तो लग रहा है कि 1 महीना लग जाएगा नंबर प्लेट आने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई हम लोग को यहाँ पर। प्राइस रेंज में और भी अच्छे बाइक था तो हाँ बिल्कुल था, N160 था, बहुत ही मस्त बाइक है, लेकिन भाई उसका प्राइस इससे हम लोग यहाँ पर 15,000 या 20,000 ज़्यादा है। सो FZ बाइक भाई जो मतलब ओल्ड एज वाला है, सभी का पसंद है बाइक, पता नहीं भाई यहाँ कैसे बनाते हैं बाइक है भाई, मतलब MT भी पसंद होता है, ये FZ भी पसंद है, लेकिन R15 पसंद नहीं होता है क्योंकि भाई बहुत झुक के बैठने पड़ते हैं इसीलिए, अदरवाइज भाई ये बाइक भाई सभी लोगों को पसंद है, मतलब जिसको आप पूछोगे जिसका ज़्यादा एज होगा, मतलब हम लोगों का एज को छोड़ के भाई जिन लोगों को पूछोगे यही बाइक बेस्ट बताएगा। तो घर वालों ने बोला कि तुझे अगर बाइक लेना है तो FZ ले, नहीं तो बाइक नहीं देंगे,
तो इसीलिए सोचा चलो कोई तो बाइक आ रहा है भाई स्कूटी को छोड़कर, तो स्कूटी भी है, ऐसा नहीं कि स्कूटी बेच दिया है, स्कूटी भी है घर पे और एग्जैक्ट आ चुका है भाई सिटी राइड के लिए, इसको रखेंगे सिटी राइड करेंगे इस बाइक को लेकर। सो यही था भाई, RS 200 लेने गया था और आ गया FZ, क्या ही बताओ भाई, दिल से बुरा लगता है। आज का जो व्लॉग है उसको करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग मोटर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।